कालू जी, इस करवा चौथ पर मुझे 2 लाख वाला डायमंड का हार चाहिए, जिसे पहनकर मैं पूरे जंगल में नाचूं, गाऊं, छूमूं। नहीं गौरी, 2 लाख का हार मैं नहीं ला पाऊंगा। आप बिना हार के ही करवा चौथ मना लें। आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फिर भी पैसों की तंगी। मैं अभी हिसाब जोड़ती हूँ, आखिर फिजूल के पैसे जा कहाँ रहे हैं? अरे गौरी, कहाँ जाएंगे पैसे, सब मेरे बैंक में है। मैं ले आऊंगा आपका हार, छोड़ो ये कॉपी पेन लेना। मैं तो कहता हूँ झुमके भी मंगा लो, और भी सुंदर लगोगी। दुनिया का सबसे अच्छा पति मेरा कालू। बच गया गौरी के हिसाब से, वरना कैसे बताता। मैंने 10 लाख रुपए सुंदरी पर खर्च कर दिए। पापा पापा कहाँ खो गए, मेरे लिए एक रिमोट से चलने वाली कार भी ले आना। हाँ हाँ जग्गू बेटे, मैं आपके लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी ले आऊंगा। अब मुझे काम पे जाने तो दो, वरना मेरा बॉस गुस्सा करेगा। ठीक है कालू जी, आप जाएं, और शाम को जल्दी आना, मुझसे ज्यादा इंतजार ना करवाना। फिर कालू कौवा अपना बैग लेकर ऑफिस चला जाता है। गौरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। पता तो चले आसपास के पक्षियों को मैं कितनी अमीर हूँ। अभी जाकर सबको चिढ़ा के आती हूँ, खास कर उस छोटी चिड़िया को। ऐसे कहकर गौरी कौवी घर से चली जाती है, और उसे रास्ते में कबूतर लूसी मिल जाते हैं। लूसी, कबूतर, आप दोनों कहाँ जा रहे हो, और इस बैग में क्या है? गौरी कौवी, ये मेरी शादी का जोड़ा है, रखे रखे थोड़ा फट गया है, तो इसी को ठीक कराने दर्जी के पास जा रहे हैं। क्या लूसी बहन, आज शाम को तुम ये ओल्ड और फटा हुआ लहंगा पहनोगी, इससे अच्छा तो कोई हाल ही में खरीदी हुई साड़ी पहन लेती। गौरी, दूसरों से तो बहुत पूछ लिया, जरा अपने बारे में भी तो बताओ, तुमने क्या क्या खरीदा है? कबूतर, मेरे कालू की तो कभी होड़ नहीं कर पाएगा, ढेर सारी शॉपिंग की है मैंने। और सबसे बड़ी बात, आज शाम को कालू मेरे लिए डायमंड का हार लाएगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ आज तक लूसी को कोई गिफ्ट भी दिया है या नहीं? क्या सच गौरी, कालू भैया 2 लाख का हार लाएंगे आपके लिए? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भरोसा ना हो तो खुद ही देख लेना, जब मैं शाम को पहनकर अपना व्रत खोलूंगी। लूसी चले यहाँ से, हमें काफी देर हो गई है, कहीं दर्जी वाला दुकान बंद करके चला ना जाए। नहीं कबूतर जी, हम दर्जी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि लहंगों की दुकान पे जाएंगे। मैं अपने लिए नए जमाने का लहंगा खरीदूंगी, नहीं पहनूंगी ये पुराना ओल्ड फटा हुआ लहंगा। ये गौरी की बच्ची हमेशा टपक जाती है, और मेरा काम खराब करके जाती है। अच्छे खासे पैसे बच रहे थे, पर नहीं, ऐसे कबूतर लूसी को लेकर चला जाता है। अब जाती हूँ चिड़िया के पास, उसे बताए बगैर तो मेरा जी नहीं मानेगा। मगर इस वक्त वो कहाँ मिलेगी? हाँ, नदी पर जाती हूँ, वहीं बैठी होगी। गौरी कौवी रानों को ढूंढते हुए नदी पर पहुँच जाती है। वहाँ चिड़िया अकेले चुपचाप बैठी हुई थी। रानो चिड़िया, कालू मेरे लिए पूरे 2 लाख का हार लाने वाला है शाम को, मैं तो वही पहनूंगी, तुम क्या पहनोगी? हाँ गौरी, मैंने भी अपने लिए एक हार खरीदा है, और मैं शाम को वही पहनने वाली हूँ। अरे वाह, सोने या हीरे का, कौन सा हार खरीदा है तुमने? ना सोने का ना हीरे का, मामूली सा तांबे का हार है। क्या कहा, तांबे का नौकल हार? मैंने तो सोचा कोई महंगा हार लाई होगी। मैं भी किससे पूछने लगी, तुम गरीबों की कहाँ इतनी औकात जो डायमंड का हार खरीद सको। गौरी, घर की परिस्थिति देखकर खर्चा किया जाता है, और वैसे भी मुझे 2 लाख का हार पहनने का कोई शौक नहीं। टुन्नु जी जितना भी कमाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। जब जेब में शौक पूरे करने के पैसे ही ना हो, तो ऐसी बातें करना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये बोलकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। गौरी तो 2 लाख के हार की बातें सभी पक्षियों को कहती फिरती है, और इधर कालू कौवा चिंता में था। शकल की ना सूरत की, और फरमाई से 2 लाख का हीरे का हार, मैं कहाँ से लाऊं इतना महंगा हार, मेरा बैंक तो खाली पड़ा है खाली। आइडिया, मैं शाम को घर ही नहीं जाऊंगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा घर नहीं जाता, वो शराब के ठेके पर रुक जाता है। उसे वहाँ अपना पुराना दोस्त भूरा कौवा मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को खूब शराब पिलाते हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ कालू जी
जी भी आते ही होंगे। ऐसे कहकर गौरी खुशी खुशी तैयार होती है। इधर कालू कौवा मजे से अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। अरे दोस्त कालू, लगता है तुझे कोई बड़ी समस्या है, तभी तो शराब शराब पिए जा रहे हो। पूरा अभी तक तेरी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए तू मेरा दुख नहीं समझ पाएगा। मेरी पत्नी गौरी एक नंबर की चंट चालाक है, लेकिन आज मैं भी उसे अच्छा पागल बनाऊंगा। वो कैसे कालू? आज करवा चौथ है, बोल रही थी 2 लाख का हार लेके आना। पैसे क्या मेरे सर पे उगते हैं जो फरमाइशे पूरी करता रहूं? आज पूरी रात यही रहूंगा, और करने दो गौरी को इंतजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात काफी हो चुकी थी, चांद भी निकल आया था। रानो और बाकी पक्षियों ने अपने करवा चौथ का व्रत खोल लिया था। जग्गू बेटा, और दिन तो तेरे पापा शाम 5 बजे आ जाते थे, मगर आज क्या हो गया? मम्मा मम्मा, मैं पापा के दफ्तर जाके देखूं कहीं काम में तो नहीं फंसे। नहीं बेटा, अभी रात बहुत हो गई, रात के अंधेरे में आप उड़ नहीं पाओगे। गौरी, आप अभी तक दरवाजे पर बैठी हो, सब ठीक तो है ना? और कालू भैया कहाँ हैं? रानो, कालू का कोई अता पता नहीं है, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। आप घबराइए मत, मैं टुन्नो जी को भेजती हूँ, वो कालू को कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएंगे। फिर रानो चिड़िया अपने पति को कालू को ढूंढने भेज देती है। टुन्नु चिड़े को कालू कौवा बैठा दिख जाता है। कालू बहुत नशे में था, टुन्नु उसे सहारा देते हुए घर लाता है। कालू जी, मेरे कालू जी को क्या हो गया? गौरी, कुछ नहीं हुआ आपके कालू को, जरा पानी मारे इसके चेहरे पर। गौरी कालू के ऊपर पानी डालती है, कालू हड़बड़ाते हुए होश में आता है। उठे कालू जी उठे, आज करवा चौथ है, मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, मेरा व्रत पूरा करें। नहीं नहीं भूरे, मैं घर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। छी कालू जी छी, आपने शराब पी रखी है, आपके मुंह से बू आ रही है। गौरी कवि, कालू नशे में धुत है, वो हम सबको पहचान भी नहीं पा रहा। हाँ गौरी, कालू अब घर में है, अब अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करें, और जो भी बात करनी है वो सुबह कर लेना। चिड़िया की बात मानकर गौरी कालू को देखते हुए करवा चौथ का व्रत खोलती है, मगर कालू कौवा तो नशे में आंखें बंद कर लेटा हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, सुबह मैंने तुम्हें कितना बुरा भला बोला, उसके बावजूद भी आपने हमारी मदद की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं थी और ना ही कभी होंगी। अब जाओ कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो। इस तरह से गौरी का करवा चौथ व्रत पूरा होता है। वैसे आप अपने करवा चौथ पर कौन से रंग की साड़ी पहनने वाली हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। देख देख हरियाली, चिड़िया की बेटी कैसे अनजान पक्षी के साथ गप्पे लड़ा रही है। हाँ गौरी, है तो गुड़िया ही, क्यों ना हम इनके पास चल के देखें। मैं नहीं जाऊंगी, अब तो सीधे रानो से ही बात होगी, वो बड़ी अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकती। फिर गौरी का भी तुरंत ही रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, गुड़िया को स्कूल भेजना बंद कर दे, मुझे तेरी बेटी के चाल चलन अच्छे नहीं लगते। आप ऐसी बातें क्यों करती हो गौरी, मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। धरे के धरे रह जाएंगे सब संस्कार, जब गुड़िया दूसरे जंगल के पक्षी के साथ भाग जाएगी। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, आखिर आपकी भी तो एक बेटी है, फिर आप मेरी गुड़िया के बारे में ऐसा क्यों बोलती हो। रानो, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है, जब तेरी बेटी पूरे जंगल की नाक कटवा देगी फिर याद करना गौरी ने क्या कहा था। गौरी कभी इस तरह से रानो को खूब सुनाकर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी का समय हो जाता है। गौरी कभी की बेटी कोकी और गुड़िया स्कूल से लौट रही थीं। गुड़िया चल जल्दी, आज मुझे गट्टू कौवे ने पिज्जे की दुकान पे बुलाया है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कोकी, मैं नहीं जाने वाली, मम्मा ने किसी अनजान के साथ खाने पीने को मना कर रखा है। गुड़िया, तू यहाँ भी मम्मा की बात लेकर बैठ गई, अब चल जल्दी से मेरे साथ वरना मुझे लेट हो जाएगा। कोकी गुड़िया को सोचने का मौका नहीं देती और उसका बैग उठाकर भाग जाती है। फिर गुड़िया को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। खा ले गुड़िया, तू तो ऐसे घबरा रही है,
जैसे पिज्जे के रुपए तुझे ही देने हैं। मैंने खा लिया कुकी, अब जल्दी से घर चलो। फिर वह दोनों पिज्जा खाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। कुकी, आज आपने इतनी देर कहाँ कर दी? अपनी मम्मा की बात सुनकर कुकी घबरा जाती है। मम्मा, आज वो गुड़िया ने रास्ते में कुछ खरीदा था, बस उसी के चक्कर में लेट हो गई। मैंने कितनी बार कहा है उस गुड़िया से दूर रहा कर, पर तू भी मेरी बात नहीं सुनती। आइंदा उस गुड़िया के साथ तुझे देख ना लूं। इस तरह से गौरी कभी कोकी पर बहुत गुस्सा करती है। अगले दिन गुड़िया कोकी को बुलाने घर आती है। प्यारी गुड़िया, तैयार तो ऐसे होके आई है जैसे अपने पापा की शादी में जा रही हो। आज तो चली जा, आज के बाद मेरी बेटी के साथ दिख मत जाना। गुड़िया कुछ नहीं बोलती। फिर कोकी के आते ही वो स्कूल चली जाती है। गौरी और लूसी कबूतरी सब्जी लेने बाजार जाती हैं। रास्ते में गौरी कवि तो बस गुड़िया की ही चुगली किए जाती है। एक नंबर की फरानिया लगती है मुझे, ऊपर से सुरख लाल होट। मैंने तो मना कर दिया आज। सो तो है गौरी, रानू गुड़िया को जरा भी नहीं डांटती। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थीं। रानू चिड़िया उनके पीछे पीछे सारी बातें सुन रही थी। लूसी बहन, आप भी मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करती हो? गौरी का तो मुझे पहले से ही पता था। रानू, तुम्हें हमारी बात बेशक बुरी लगे, परंतु गौरी एकदम सही कहती है। आखिर गुड़िया इतना सस सवर के स्कूल क्यों जाती है? लूसी, जब गुड़िया का जन्म हुआ था तब आप तो थी मेरे घर, और आप ही ने कहा था, रानो बेटी बेशक हुई हो पर चांद सी सूरत है इसकी। अब आप भी गौरी की बातों में आकर झूठ बोलती हो? मेरी बेटी कुछ नहीं लगाती, वो जन्म से ही सुंदर है। लूसी के बोलने से पहले ही गौरी कभी बोल पड़ती है। जब बात अलग थी, छोटी बच्ची थी जब वो, लेकिन अब मैं कहती हूँ, कोई अपने जैसा गरीब पक्षी देखकर उसकी शादी कर दे, अगर ये भी खुद ने कर लिया तो सारे जंगल के पक्षी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गौरी, आपकी कोकी भी तो मेरी गुड़िया के संग की है, फिर आप क्यों नहीं कर देती उसकी शादी? मेरी बेटी के पिता, मामा, भैया सब हैं, तुम्हारा कौन है जिसका गुड़िया डर करेगी? हमारी ही बदनामी कराएगी तेरी गुड़िया। ऐसे बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। रानो तो बस रोई जा रही थी। वो उदास मन से अपने घर आती है। मम्मा, आप इतना उदास क्यों हो, कुछ हुआ है? नहीं गुड़िया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बताएं, स्कूल में दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा मम्मा, आज मैंने टेस्ट में पूरे 20 में से 20 नंबर लिए। टीचर ने मुझे खूब शाबाशी दी। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना मेरी बच्ची, हमेशा बुरे कामों से दूर रहना और पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करना। रानो ऐसे अपनी बेटी को समझा रही थी, और गौरी कभी तो हरियाली से चुगलियों में व्यस्त थी। ऐसे ही समय बीतता है। अब गुड़िया कोकी अलग अलग स्कूलों में जाने लगी थी। कोकी की गट्टू कव्वे के साथ की हुई दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और वह दोनों नदी किनारे छिप छिप कर बातें कर रहे थे। गट्टू, शादी तो मैंने आपसे ही करनी है, जल्दी से कुछ सोचो वरना मम्मा मेरी शादी कहीं और तय कर देगी। कोकी, आपको तो पता है मेरे पास कुछ नहीं, घर नहीं है, मैं तो यहाँ किराए पर रहता हूँ, फिर आपको लेकर कहाँ जाऊँगा? दूर, हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे, परंतु इतने दिनों की दोस्ती को मैं टूटने नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया, हम आज ही जंगल छोड़कर दूर चले जाएंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों शादी करके जंगल छोड़ जाते हैं। इधर गौरी कवि तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज वो कोकी का रिश्ता पक्का करके जो आई थी। रानो, मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता एक अमीर खानदान में कर दिया है, तुम बैठी रहो पंख पे पंख रखे। ऐसी बात नहीं है गौरी, कुकु की पढ़ाई खत्म होते ही मैं भी भला पक्षी देखना शुरू करूंगी। तू क्यों करेगी इसके शादी? तूने तो कसम खा रखी है पूरे जंगल की नाक कटवाने की। ऐसे सुनाकर गौरी कवि फिर से चली जाती है। मम्मा चिड़िया फिर से उदास हो जाती है। गौरी कोकी को खुशखबरी सुनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन कोकी को शाम हो जाती है, परंतु वो घर नहीं लौटती। जग्गू के पापा,
कोकी आज घर नहीं लौटी, जरा चल के देखें स्कूल में। फिर वह दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ तो ताला लगा था। वो सब जगह खोजते हैं, फिर मंदिर के पुजारी पक्षी से उन्हें सब पता चलता है कैसे वो दोनों शादी करके चले गए। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई कालू जी, आखिर मेरी बेटी ने ही नाक कटा दी। गोरी मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, आखिर हमारी बेटी हमें छोड़ के चली गई। धीरे धीरे बात पूरे जंगल में फैल जाती है और गौरी कवि की चर्चा होने लगती है। गौरी आप तो हमेशा ही गुड़िया के बारे में भला बुरा बोलती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। हाँ तुम्हारी बेटी ने पूरे जंगल में हमारी बदनामी करा दी, अब दूसरे जंगल के पक्षी हमें जीने नहीं देंगे, हमेशा ताना मारेंगे, इनके जंगल की बेटी भाग गई। गौरी तो किसी से कुछ नहीं बोलती, बस सबकी सुने जा रही थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। तभी कोकी की खबर सुनकर रानो चिड़िया भी आ जाती है। गौरी बहन कभी अपने खुद के घर में भी ध्यान दिया होता, अब पता चला दूसरों के बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरों के घरों में झांकने से पहले खुद के घर में भी देखना चाहिए। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षियों को डर था कि इस घनघोर बारिश में उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। लूसी जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इस तेज तूफान में हमारा घोंसला ही ना टूट जाए। कबूतर जी अगर हमारा घोंसला टूट भी जाए तो आप मुन्ने का साथ ना छोड़ना, उसे कसकर पकड़ के रखना। कालू जी लगता है आज हम पक्षियों की कहर की रात है, तभी तो ये तेज तूफान और बारिश बढ़ते ही जा रहे हैं। गौरी चुपचाप घोंसले में बैठी रहो, ऐसे बातें करके मुझे और मत डराओ, मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ जब से बुलबुल के घोंसले टूटने की खबर मिली है, और मुझे अब अपने घोंसले का डर लग रहा है। ना ना कालू जी हमारे घोंसले को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने काली घास के तिनके मिलाकर घोंसला बनाया है और काली घास के तिनके बहुत मजबूत होते हैं। गौरी मुझे माफ कर दो, तेज गर्मी के कारण मैं काली घास को नहीं ढूंढ सका और यूं ही पीली घास से घर बना दिया। क्या कहा आपने, काली घास के तिनके भी नहीं मिलाए, अब तो हमारा घोंसला जल्दी ही टूटेगा। जी तो करता है कि अभी तुम्हें घोंसले से बाहर निकाल दूं। गौरी अगर हमारा घोंसला टूट गया तो हम टूनी चिड़िया के घर चले जाएंगे, उसका घोंसला बहुत मजबूत है, उसने पूरा घोंसला काले तिनकों से बनाया है। इस तरह से कालू गोरी तो बहुत परेशान हो रहे थे, और इधर टोने चिड़िया सुकून से अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अच्छा हुआ जो मैंने पूरा घोंसला काली घास के मजबूत तिनकों से बनाया, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपने अंडे के साथ रह सकती हूँ। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया के घोंसले पर कबूतर का परिवार आता है। अरे कबूतर भैया क्या हुआ, और आप रो क्यों रहे हो, और लूसी बहन कहाँ है? चिड़िया बहन एक तेज हवा के झोंके से हमारा घोंसला उड़ गया, मैंने मुन्ने को तो कस के पकड़ लिया, परंतु लूसी नीचे पड़े पत्थर पर जा गिरी और वो खून से लथपथ है। इतना कहकर कबूतर और मुन्ना जोर जोर से रो पड़ते हैं, और चिड़िया तो समझ जाती है कि लूसी अब इस दुनिया में नहीं है। आप रोइए मत और घोंसले के अंदर आ जाइए, वरना कोई टहनी आपको लग जाएगी। चिड़िया बहन कहीं हमारे वजन से आपके घोंसले को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं मेरा घोंसला इतना भी कमजोर नहीं है, वो हम सबके वजन को झेल लेगा, अब आप अंदर आइए। फिर कबूतर अपने बेटे को लेकर चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। कालू जी हमारा घोंसला तो जोरों से हिल रहा है, लगता है ये अब टूटने वाला है। हाँ गौरी अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इस घोंसले से भागो, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। काम चोर कालू कहीं के
अगर काली घास के मजबूत तिनके लिए होते तो घोंसला इतनी जल्दी नहीं टूटता। गौरी, अब मेरा पीछा छोड़ भी दो और यहाँ से बाहर निकलो, फिर बाद में मत कहना कि मुझे चोट लग गई। वो दोनों अपने घोंसले में से निकलकर बैठे ही थे कि तभी उनका घोंसला बीच में से टूटकर गिर जाता है। अब क्या इस टूटे घोंसले में रहने का इरादा है? अब चलो टूनी चिड़िया के पास। फिर वो दोनों भी तेजी से उड़ते हुए चिड़िया के घोंसले पर चले जाते हैं। अरे कालू गोरी, क्या आपका भी घोंसला टूट गया है? हाँ चिड़िया, परंतु आपको कैसे पता कि हमारा घोंसला टूट गया और अब हम दोनों आपके घोंसले में रहने आए हैं। अब जल्दी से हमें अंदर ले लो। फिर चिड़िया कालू गोरी को भी घोंसले के अंदर बुला लेती है। ओए कबूतर, क्या तेरा घोंसला भी टूट गया है जो चिड़िया के घर में हो? हाँ गोरी कबी, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया और लूसी जी हमें छोड़कर चली गईं, उनकी मौत हो गई। अरे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ जो लूसी बहन की मौत हो गई। अभी तो मुन्ना छोटा है, बेचारा अपनी मम्मा के बिना कैसे रह पाएगा। गौरी, मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूंगा, उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसे बातें कर वो सभी चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया उनसे कहती है, साथियों आप ये दाना खा लो, आप सबको भूख लगी होगी। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, क्यों नहीं, भूख तो बड़ी तेज लगी है हमें। अच्छा किया जो आपने पहले से ही भोजन जमा कर लिया। कालू और गोरी कव्वी तो बिना कुछ सोचे समझे ही चिड़िया का दाना खाने लगते हैं, परंतु कबूतर दाना नहीं खाता। कबूतर भैया, आप भी दाना खा लो और मुन्ने को भी खिला दो। नहीं नहीं चिड़िया, मैं ये दाना नहीं खा सकता, आपने इसे बड़ी मेहनत से जमा किया है, अगर हम आपका सारा दाना खत्म कर देंगे तो आप क्या खाओगी? ओहो कबूतर, अब चिड़िया के घोंसले में रुके हैं तो दाना भी यहीं खाएंगे, इस तेज तूफान बारिश में अपना दाना तो खोज नहीं सकते। गोरी आपने सही कहा, इस खराब मौसम में दाना तो हम नहीं खोज सकते, परंतु चिड़िया ने हमें अपने घर में रखा, ये क्या कम है जो उसका भोजन खत्म करके उसकी समस्या और बढ़ा दें। अब जैसी भी आपकी इच्छा, अब हमने तो भोजन खा लिया है। चिड़िया के घोंसले में रहना कालू गोरी को तो बहुत पसंद था, वो चिड़िया का भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन कबूतर को तो चिंता हो रही थी क्योंकि अब चिड़िया का घोंसला भी हिलने लगा था। चिड़िया बहन, मुझे लगता है आपका घोंसला हम सबके वजन को नहीं झेल पा रहा, घोंसला हिल रहा है, मुझे तो डर है कहीं ये भी टूट ना जाए। कबूतर भैया, अब इसका कोई उपाय बताओ वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसका एक ही उपाय है, मैं मुन्ने को लेकर घोंसले से बाहर जाता हूँ, फिर शायद वजन कम होने से घोंसला ना टूटे। नहीं कबूतर भैया, आपके साथ छोटा बच्चा है, ऐसे में आप कहाँ जाओगे? मैं कालू भैया को जगा देती हूँ, वो ही घोंसले से बाहर चले जाएंगे। नहीं चिड़िया, रहने दो, ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैं ही चला जाता हूँ और कहीं अपना ठिकाना खोज लूंगा। ये कहकर कबूतर अपने बेटे को उठाता है और घोंसले से बाहर चला जाता है। देर रात भी हो जाती है, तूफान का आना और भी तेज होता जा रहा था। ये कालू गोरी तो जब से आए हैं तब से सोए ही जा रहे हैं, इनको जरा भी फिक्र नहीं है कि मेरा घोंसला भी हिलने लगा है। ऐसे सोचते हुए चिड़िया तूफान के रुकने का इंतजार करते हुए सो जाती है और तभी जोरदार तूफान आ जाता है और चिड़िया का घोंसला भी तिनके तिनके में बिखर जाता है, वो सब जमीन पर आकर गिर जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, हम सब जमीन पर कैसे गिरे? गोरी, चिड़िया का मजबूत घर भी टूट गया है और हम सब जमीन पर गिरे हैं। हे भगवान, अगर मैं नहीं सोती तो मेरा अंडा भी नहीं फूटता।
सकता। मेरी गलती के कारण मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। चलो कालू जी, हम किसी और पक्षी के घर चलते हैं। अब यहाँ रहकर क्या करें? ये कहकर कालू गोरी तो वहाँ से चले जाते हैं। और चिड़िया तो अपने फूटे अंडे को देखकर रो रही थी कि तभी वहाँ पर कबूतर आता है। उसके सर पर बांस का गट्ठर रखा था। चिड़िया बहन, रोना बंद करो। मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है इस तेज तूफान में, और मैं जानता था कि आपका घोंसला भी टूट जाएगा, इसलिए मैं ये बांस लेने गया था दूर के जंगलों में। लेकिन कबूतर भैया, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलती और अपना घर भी बांस का बना लेती। अरे चिड़िया, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपको अपने अंडे के पास रहने की ज्यादा जरूरत थी, और ये बांस तो मैं आपके लिए भी लाया हूँ। सबसे पहले आपका ही घर बनेगा। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया और कबूतर बांस का घर बनाना शुरू करते हैं। काफी देर के बाद उनका बांस घर बनकर तैयार हो जाता है। चलो कबूतर भैया, अब हम बांस के घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि तेज तूफान के आने की संभावना बढ़ रही है। चिड़िया, अगर दोबारा से कालू और गोरी आपसे मदद मांगने आए तो साफ इनकार कर देना। उन्हें भी तो पता चले कि मुसीबत के समय में दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे वो दोनों आपको मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। हाँ कबूतर भैया, वो दोनों तो बहुत बुरे हैं। घोंसला टूटने पर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं भी उनको बांस घर में नहीं आने दूंगी। ऐसे बातें कर वो तीनों अपने नए बांस घर में चले जाते हैं और बिना तूफान के डर से बांस घर में रहते हैं।